इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। रजिया सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली पहली महिला मध्ययुगीन भारत के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थी। लेकिन रजिया सुल्तान की जिंदगी से जुड़े ऐसे कई राज हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल सका है। ऐसे ही एक राज का जवाब ढूंढने हम निकल पड़े पुरानी दिल्ली की गलियों में। आइए हमारे साथ। पुरानी दिल्ली के शाहजहानाबाद के बीचों बीच खड़ा लाल किला मुगल बादशाह शाहजहान के सत्ता के केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण सन 1639 में हुआ था। इसी के साथ मुगलों की हुकूमत आगरा से दिल्ली आ गई थी। फिर मुगल बादशाहों ने यही अपनी शान और शौकत का भरपूर आनंद लिया। अगर आप शाहजहानाबाद के दूसरे छोर की तरफ जाए तो वहां तुर्कमान गेट इलाका है जो अजमेरी गेट और दिल्ली गेट के बीच में है। वहां आपको नजर आएगा एक मोहल्ला जो मुगलों के यहां आने से सदियों पहले बस चुका था। यहां की ये सड़क एक जमाने में उस पुरानी सड़क का हिस्सा हुआ करती थी जो काबुल को बंगाल से जोड़ती थी और जिसे बाद में जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड कहा गया। यहाँ की एक छोटी सकरी गली में आपको दिखाई देगी एक कब्र जो मध्यकालीन भारत की सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक रजिया सुल्तान की है। रजिया सन 1236 में दिल्ली की शासक बनी। 13वीं शताब्दी में किसी महिला का शासक बनना अकल्पनीय था, लेकिन रजिया सुल्तान ने इसे सच कर दिखाया। माना जाता है सन 1231 में जब रजिया के पिता सुल्तान इल्तुतमिश ग्वालियर लड़ाई के लिए गए, तब कुछ समय के लिए उन्होंने दिल्ली की सत्ता रजिया के हाथ सौंपी। वो रजिया की काबिलियत परखना चाहते थे। हुआ ये कि रजिया ने इतनी अच्छी तरह से सत्ता संभाली कि सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने तीनों बेटों को छोड़ रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उस समय के ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है वो काफी लोकप्रिय थी। उन्होंने लड़कर अपने भाई से अपना तख्त वापस हासिल किया जो उनसे छीन लिया गया था। रजिया की ये पेंटिंग हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम की है, जिसमें उन्हें बिना नकाब अपने दरबार में बैठा दिखाया गया है। एक तरफ जहां रजिया ने अपने हुनर और शासन कला से अपनी अलग छाप छोड़ी, लेकिन दूसरी तरफ वह तुर्क दरबारियों का मुकाबला नहीं कर सकी जो उन्हें तख्त से बेदखल करना चाहते थे। 1983 में आई हिंदी फिल्म रजिया सुल्तान में इसकी झलक मिलती है। हालांकि फिल्म में रजिया और याकूत एक हबशी योद्धा की प्रेम कहानी को दिखाया गया है, इतिहास में ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। आखिरकार रजिया को तख्त से बेदखल कर भटिंडा किले की जेल में डाल दिया गया, जहां से उन्होंने दिल्ली की सत्ता वापस लेने के लिए एक नाकाम कोशिश की। सन 1240 में उनकी हत्या कर दी गई। The reason she was buried here was because there was a Sufi saint of the Sohrawardi order. Shamsul Arifin was his name, and he's known popularly as Shah Turkman Biyabani. And he had died a few months ago, again in 1240. And in 1240, this was a jungle. It was a wasteland. So Biyabani literally refers to that because Biyaban is wilderness. So this was a saint who had come and started living in the wilderness. And that is where Razia was when she died. She had been, of course, a ruler. But by the time she died, a rival one of her brothers had taken over. Rival nobility, factions of the nobility had taken over. And she died not in complete ignominy, but quite close. So she was not buried in a very fancy place, but near a saint.
एक समय रजिया की कब्र ऊंची जगह पर हुआ करती थी, शायद घाटी जैसी जगह पर। उनकी कब्र के पास ही सूफी संत शाह तुर्कमान बियाबानी का मकबरा है। उन्हीं के नाम पर इस इलाके का नाम शाह तुर्कमान रखा गया है। उनका इंतकाल रजिया के इंतकाल के कुछ साल पहले ही हुआ था। इसी मकबरे में सूफी संत शाह तुर्कमान की कब्र है। शाह तुर्कमान बियाबानी वॉज बेरिड हियर इन 1240। इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज एज आई सेड रजिया वॉज बेरिड नेक्स्ट टू हिम। शी वॉज एक्चुअली बेरिड नॉट राइट नेक्स्ट टू हिम बट अ लिटल बिट एट अ डिस्टेंस एंड अप अ हिल। सो यू हैव टू क्लाइंब अप अ लिटल बिट, यू नो, इट्स स्लाइटली रेज्ड ग्राउंड दैट यू गो अप एंड देयर इज वेयर हर ग्रेव लाइज एंड दैट्स वेयर शी इज। But Shah Turkman's Dargah has seen a very interesting development since then because many people wanted to be buried very close to the saint. So there have been generations and centuries of burial from the mid 13th century and all continuously there have been burials and therefore the level of the ground has been rising and the level of the ground has risen to such an extent that now the original grave of Shah Turkman is actually at a much lower level. So you have had subsequent gateways built which are at a higher level, subsequent burials which are at a higher level. So it's a very interesting, the archaeology of the area would be very interesting. And moreover, not only that, but what was a large burial ground, much of it has actually been built upon in the form of houses now. So it's become a mohalla, it's called the Mohalla Kabristan. So, therefore, the name also is important because it evokes an earlier era when this was literally just a burial ground. ये इलाका आज की तुलना में 13वीं शताब्दी में बिल्कुल अलग लगता होगा। तब यहाँ घने जंगल हुआ करते थे और इस मकबरे के अलावा कुछ और खास यहाँ नहीं था। लेकिन वक्त के साथ यहाँ शाही और खास लोग बसने लगे और उन्हें शाह तुर्कमान कि मकबरे के पास ही दफनाया जाने लगा। यहां की सबसे पुरानी कब्रों में से एक कब्र रजिया की है। दिलचस्प बात यह है कि आज इस जगह को मोहल्ला ए कब्रस्तान कहा जाता है। रजिया की असली कब्र कहां पर है, यह इतिहासकारों में एक विवाद का विषय है। कोई कहता है उन्हें हरियाणा के कैथल में दफनाया गया, कुछ और लोगों का मानना है उनकी कब्र राजस्थान के टोंक में है। पर ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि रजिया की असली कब्र पुरानी दिल्ली में है, जो उनकी राजधानी आज के मेहरौली इलाके के करीब है। ये इलाका उस जमाने में भी कितना मशहूर हो गया था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सन 1387 में फिरोज शाह तुगलक के वजीर आजम खाने जहां जुनान शाह ने यहाँ एक मस्जिद बनाई थी, जिसे आज काली मस्जिद कहा जाता है। हालांकि इसका सही नाम कलान मस्जिद है। By the time you came to the 14th century, in the mid 14th century, Firoz Shah Tughlaq was on the throne, and in the second half of the 14th century, in 1387, in fact, his prime minister Khane Jahan Junan Shah, he built a few large mosques. He had built a few large mosques around Delhi, and one of the mosques he built was here. And the fact that he built this it's called the Kali Masjid, though its formal name was Kalan Masjid. And he built it here because there must have been a substantial population living in this area. And this was actually probably part of Firoz Shah's capital, which he had set up, which was called Firozabad. And today, the only remnant is the citadel of that city, which is Firoz Shah Kotla. शाहजहानाबाद की ये गलियां गुजरे जमाने के किस्से कहानियों से भरी पड़ी हैं, जो हमें एक महान मलका की याद दिलाती हैं, जो खुद को सुल्तान कहा करती थी और जिन्होंने उस समय की मर्दों की दुनिया से जमकर टक्कर ली थी। रजिया सुल्तान हिंदुस्तान की एक प्रभावशाली शासक थी, लेकिन ये काफी दुख की बात है कि आज उनकी कब्र गुमनाम और अनजान है। अब हम आपसे लेते हैं विदा और कहानियों के साथ फिर मुलाकात होगी।